ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं हिंदी का पाठ 2 महापुरुष श्री कृष्ण को पढ़ेंगे। तो इस महापुरुष जो श्री कृष्ण है, यह निबंध विधा पर आधारित है। इसके पहले हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में कि गद्य का विकास क्रम, उसमें हमने अलग अलग गद्य की वो पढ़ी थी। उसमें था निबंध विधा, नाटक, एकांकी, उपन्यास। तो निबंध विधा पर यह पाठ आधारित है, महापुरुष श्री कृष्ण। इसके लेखक श्री वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। आइए हम इनका जीवन परिचय देखते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व के मर्मज्ञ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म लखनऊ के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1904 ईस्वी में हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी तथा डीलिट की उपाधियां प्राप्त की। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष और आचार्य रहे। आपने देश के अनेक सुप्रतिष्ठित संस्थाओं के अध्यक्ष भी रहे। वैदिक साहित्य, दर्शन, पुराण के अन्वेषक, हिंदी साहित्य एवं पुरातत्व के इस प्रकांड विद्वान का देहावसान सन 1967 में हो गया। अब है अग्रवाल जी की कुछ रचनाएं, कुछ कृतियां। तो उन्होंने निबंध संग्रह है अग्रवाल जी के, जो है उर ज्योति, मातृभूमि, पृथ्वी पुत्र, वेद विद्या, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, वाग्धारा आदि। आपने कुछ समीक्षा भी करी है। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत तथा कालिदास के मेघदूत की संजीवनी व्याख्या आदि। सांस्कृतिक, पाणिनिकालीन भारतवर्ष, भारत की मौलिक एकता, हर्ष चरित्र एवं सांस्कृतिक अध्ययन आदि। आपने कुछ पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। तो पद्मावत, संस्कृत तथा पाली के ग्रंथों और पोद्दार अभिनंदन ग्रंथ का संपादन, अनुवाद, हिंदू सभ्यता, इसके अतिरिक्त भारतीय कसीद, मार्कंडेय पुराण, लोक कला, निबंधावली आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आपकी भाषा, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अंग्रेजी तथा हिंदी के प्रकांड विद्वान थे। इसका प्रभाव उनकी भाषा पर पड़ना स्वाभाविक ही था। अतः उनकी भाषा शुद्ध, परिमार्जित, संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, और संस्कृतनिष्ठता के कारण कहीं कहीं पर दुर्भ भी हो गई है। विषयानुसार सरलता, सुबोधता और सहज प्रवाह उनकी भाषा की विशेषताएं हैं। श्री अग्रवाल जी ने देशज शब्दों को अपनाया है। आपकी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी शब्दों और मुहावरों, कहावतों के प्रयोग की प्रवृत्ति कम ही मिलती है। विषय गंभीर होने के कारण भाषा में गंभीरता आ गई है। श्री अग्रवाल जी की भाषा सर्वत्र विषय अनुकूल रहती है। आपकी भाषा स्पष्ट तथा परिमार्जित है। सामान्यतया आपने भाषा को व्यावहारिक बनाए रखने का सफल प्रयास किया है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंधों की भाषा प्रौढ़, संस्कृतनिष्ठ तथा प्रांजल है। इसमें गांभीर्य के साथ ही सुबोधता, प्रवाह और लालित्य विद्यमान है। आपकी शैली, अग्रवाल जी के व्यक्तित्व के अनुरूप इनकी निबंध शैली में पांडित्य और बौद्धिक के प्राधान्य साथ भावनात्मक का कोमल पुट भी विद्यमान है। अब आपके शैलियां हैं। आपने विभिन्न शैलियों में अपने ग्रंथों की रचना की है। पहली है विचारात्मक शैली। डॉक्टर अग्रवाल ने प्रायः गहन, गंभीर विचार प्रधान विषयों पर लेखनी चलाए हैं। आपके निबंधों में विचारात्मक शैली की प्रधानता, इस शैली में तर्क, युक्ति तथा व्यवहारिकता का समावेश हुआ है। दूसरा, गवेषणात्मक शैली। वासुदेव शरण अग्रवाल जी अन्वेषक थे, पुरातत्व के व्याख्याता थे।
उन्होंने अनेक प्राचीन ग्रंथों, घटनाओं, पात्रों आदि के अनुसंधान से संबंधित निबंधों में गवेषणात्मक शैली अपनाई। फिर है भावनात्मक शैली। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने भावात्मक निबंधों में इस शैली का प्रयोग किया है। इनकी भावात्मक शैली का रूप काव्यमय हो गया। उनकी इस शैली की भाषा को आलंकारिकता का बाहुल्य है। इनके निबंधों में अनेक स्थानों पर सरदार पूर्ण सिंह की भावात्मक धारा शैली का स्मरण ही आता है। फिर है उद्धरण शैली। संस्कृत के प्रकांड विद्वान डॉक्टर अग्रवाल के निबंधों में संस्कृत के उद्धरण देने की प्रवृत्ति प्रचुरता से मिलती है। सूत्रात्मक शैली। डॉक्टर अग्रवाल ने अपने निबंधों में जीवन सत्यों का उद्घाटन बड़े कलात्मक ढंग से किया है। इसके अतिरिक्त आपकी मौलिक रचनाओं में संस्कृत ही सामासिक शैली तथा भाव्यों में व्यास शैली की प्रमुखता है। इनकी शैली में ओज, माधुर्य और प्रसाद गुण भी विद्यमान है। साहित्य में स्थान। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हिंदी के मूर्धन्य निबंधकारों में गिने जाते हैं। उनके विचारात्मक निबंधों का हिंदी के निबंध साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। वे प्राचीन संस्कृति एवं साहित्य के उन्नायक हैं। इनकी भाषा शैली में पांडित्य के साथ साथ लालित्य का अद्भुत समन्वय है। अब आते हैं बच्चों पाठ के सारांश या केंद्रीय भाव। देखते हैं महापुरुष श्री कृष्ण जो निबंध विधा पर आधारित है उसका सारांश। तो प्रतिभा संपन्न विचारशील लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित महापुरुष श्री कृष्ण निबंध में कृष्ण के व्यक्तित्व की भव्य झांकी कराई गई। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व एक ही समय में दो महान विभूतियों ने जन्म लिया। संयोग से दोनों का नाम कृष्ण ही था। अंतर के लिए उनमें एक द्वैपायन कृष्ण कहलाए जो आज महर्षि वेदव्यास के रूप में विख्यात है। दूसरे देवी के पुत्र कृष्ण है जो जन्म से ही चर्चित हो गए थे। साहित्य का बहुत बड़ा भाग कृष्ण चरित्र से पुष्ट है। उनका जन्म अष्टमी बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात के समय कारागार में हुआ था। वे बचपन से ही अपनी बाल लीलाओं के कारण पर्याप्त लोकप्रिय हो गए थे। उन्होंने यमुना तट पर प्रकृति के स्वच्छंद वातावरण में पीलू वृक्षों पर लहलहाती लताओं, कुंजों के वाटिकाओं, ग्वाल बालों, गायों के मध्य रहते किशोरावस्था में पदार्पण किया। किशोरावस्था में ही उन्होंने आताताई कंस का वध कर दिया। मस्तिष्क साधना के लिए उनको मुनि सांदीपनी के गुरुकुल में प्रवेश दिया गया। वहां पूर्ण शिक्षित होकर निकले ही थे कि उनका परिचय कुरुक्षेत्र में कुंती एवं पांडवों से हुआ। इस परिचय के साथ ही उनकी राजनीतिक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। हस्तिनापुर पहुंचकर उन्होंने अनुभव किया कि निरंकुश शासक भारत की लोक पक्षी परंपरा को अपनी राज्य शक्ति के दुरुपयोग से निर्बल कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे दुष्ट शासकों जरासंध, शिशुपाल, नरक एवं मूल शाल्वराज आदि का वध कर दिया। उनके बुद्धि कौशल के समक्ष वाणासुर, कलिंगराज आदि परास्त हो गए थे। श्री कृष्ण विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। उनके नेत्र अमोक थे। धृतराष्ट्र, अर्जुन आदि वीर उनकी महिमा जानते थे। उन्होंने गीता का ज्ञान देकर भारतीय जीवन को आध्यात्म का मार्ग दिखाया। वे 16 कला संपन्न मानव के पूर्ण आदर्श थे। उनका चरित्र मानवीय विकास के मानदंड के रूप में स्थित है। अब इस पाठ के कठिन शब्दों को देखते हैं। सहस्त्र का अर्थ होता है हजार। उद्दात मतलब उच्च और विकसित। अप्रतिहत अबाधित अपराजित। आख्यान का अर्थ होता है वृतांत। असंख्य अनगिनत या अनेक। अनुप्रासित पोषित। अतीत बीता हुआ। जिज्ञासुओं
जिनमें जानने के इच्छुक हो, कौतूहल, उत्सुकता, बंदी गृह, कारागार या जेल, आभास, झलक, उत्पीड़न, जुल्म करना, उश्रृंखल, हल्के स्वभाव के, लोक पीड़क, प्रजा को सताने वाले, सत्ताधारी, राजा या शासक, अविचल, अटल, कंस निपात, कंस के पतन, अति मानवी, महामानव के, विटपों, वृक्षों, मल्ल विद्या, कुश्ती की शिक्षा, प्रतिपालन, पालन पोषण, प्राप्तव्य, प्राप्त करने योग्य, राजच्युत, राजा की गद्दी से हटाया, पार्थ, अर्जुन, उत्तेजना, बढ़ावा, निरंकुश, नियंत्रणहीन, कंटक, कांटा, अपरिहार्य, न रोका जाने वाला, मानवी, मानव की, समवाय, संयोग या मेल, आत्मिक, आत्मा से उच्चता, ऊंचाई। अब इन गद्यांशों की व्याख्या देखते हैं। गद्यांशों का अर्थ होता है बच्चों गद्य का एक अंश, तो ये भी मुख्य होते हैं। चलिए आइए हम इनको देखते हैं। तो भारतवर्ष के जिन महापुरुषों का मानव जाति के विचारों पर स्थायी प्रभाव पड़ता है, उनमें श्री कृष्ण का प्रमुख स्थान है। आज से लगभग 5 सहस्र वर्ष पूर्व एक ही समय में 2 व्यक्तियों का जन्म हुआ, जिनके उदात्त मस्तिष्क की छाप हमारे राष्ट्रीय जीवन पर बहुत गहरी पड़ी है। संयोग से उन दोनों का नाम कृष्ण था। समकालीन इतिहास लेखकों ने दोनों को भेद करने के लिए एक को द्वापायन कृष्ण कहा, जिन्हें आज सारा देश महर्षि वेदव्यास के नाम से जानता है और जिनके मस्तिष्क के अप्रतिहत प्रतिभा से आज तक हमारे धार्मिक जीवन और विश्वासों का प्रत्येक अंग प्रभावित है। अब संदर्भ आपको मालूम है बच्चों, संदर्भ में क्या लिखते हैं? तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के महापुरुष पाठ से लिया गया है और इसके लेखक श्री वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। प्रसंग, यहाँ पर श्री कृष्ण नाम के 2 महान व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। व्याख्या, भारत में अनेक ऐसे महापुरुष हैं जिनके विचारों ने मानव जाति को प्रभावित किया है, उनकी विभूतियों में श्री कृष्ण का नाम महत्वपूर्ण है। संयोग की बात है कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व 2 महामानवों का जन्म हुआ, उन दोनों के नाम भी कृष्ण ही थे। उन दोनों के महान कृतित्व का गहरा प्रभाव भारतीय जीवन पर स्पष्ट दिखाई देता है। इन दोनों के भेद स्थापित करने की दृष्टि से इतिहासकारों ने एक का नाम द्वैपायन कृष्ण रख दिया। आज वे ही द्वैपायन कृष्ण महर्षि वेद व्यास के रूप में विख्यात है। वे अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। उनकी विलक्षण विवेकशीलता से भारत के धार्मिक जीवन तथा मान्यताओं का हर पक्ष स्पष्ट प्रभावित है। इसमें क्या है, काव्य में विशेषता क्या है इस पद में? तो कृष्ण नाम की 2 विभूतियों से द्वैपायन कृष्ण की अनोखी प्रतिभा का अंकन हुआ है। शुद्ध साहित्य, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है और विचारात्मक शैली में विषय का प्रतिपादन किया गया है। अब देखते हैं गद्यांश 2। कृष्ण की बाल लीलाओं के मनोरम आख्यान, उनके गीत शास्त्र के महान उपदेश तथा महाभारत के युद्ध में उनके विविध आर्योचित कर्मों की कथाएं आज घर घर में प्रचलित हैं। असंख्य मनुष्य का जीवन आज कृष्ण के आदर्श से प्रभावित होता है। वस्तुतः हमारे साहित्य का एक बड़ा भाग कृष्ण चरित्र से अनुप्राणित है। कृष्ण के जीवन की घटनाएं केवल अतीत इतिहास के जिज्ञासुओं के कौतूहल का विषय नहीं है, वरन वे धार्मिक जीवन की गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए आज भी भारतीय आकाश में चमकते हुए आकाशदीप की तरह सुशोभित और जीवित हैं। इधर बच्चों संदर्भ में पूर्ववत लिखा है, पर पूर्ववत मतलब पूर्व के अनुसार, जैसा हमने पिछले गद्यांश में लिखा था कि उपर्युक्त पंक्तियां हमारे पाठ 2 महापुरुष श्री कृष्ण से ली गई है और इसके लेखक श्री अग्रवाल जी हैं। प्रसंग है, श्री कृष्ण के महान व्यक्तित्व के प्रभाव का अंकन इस गद्यांश में किया गया।
व्याख्या देखते हैं। विराट व्यक्तित्व के धनी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के मनोहर वृत्तांत भारत के प्रत्येक घर में व्याप्त है। उनके द्वारा दिए गए गीता के उपदेशों का भारतीय जीवन पर गहरा प्रभाव है। महाभारत के युद्ध में उन्होंने आर्य मान्यताओं के अनुरूप जो महान कार्य किए थे, उनकी कथाएं आज घर घर में प्रचलित हैं। भारतवर्ष के अनेक मनुष्यों के जीवन पर श्री कृष्ण के व्यक्तित्व की अमृत छाप है। वास्तविकता यह है कि हमारे साहित्य का बहुत बड़ा भाग श्री कृष्ण के विराट चरित्र से ही पोषित है। श्री कृष्ण के जीवन में घटित होने वाली घटनाएं मात्र इतिहासकारों की जिज्ञासा का विषय नहीं है, अपितु आज के धार्मिक जीवन में भी उनकी विशेष महत्ता है। आज के जीवन की विविध गतिविधियों के संचालन नियंत्रण में वे प्रकाश पुंज की तरह दिशा निर्देश करा रहे हैं। वे इतिहास का विषय न होकर आज के सक्रिय जीवन की आवश्यकताएं हैं। इस गद्यांश में क्या विशेषता है, देखते हैं श्री कृष्ण के बहुआयामी व्यक्तित्व के प्रभाव को रेखांकित और चित्रित किया गया है। शुद्ध साहित्यिक संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और विचारात्मक शैली को अपनाया गया है। अब आगे का देखते हैं गद्यांश। श्री कृष्ण का जीवन तो एक काव्य ही है। जन्म से लेकर अथवा उससे पूर्व ही उनके संबंध के अतिमानवीय चरित्रों का क्रम आरंभ हो गया था और उनके वृंदावन छोड़कर मथुरा जाने के समय तक ये बाल लीलाएं आकाश में एकत्रित होने वाली सुंदर सुखद मेघमालाओं की भांति नाना वर्ण और रूपों में संचित होती रहीं। बिना कहे ही उन्हें हम जानते हैं। हमारे देश के बाल वर्ग के लिए तो उन कथाओं की रसमय सामग्री एक अत्यंत प्रिय वस्तु है। संदर्भ जैसा हमने पूर्व में लिखा था कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक पाठ दो महापुरुष श्री कृष्ण से ली गई हैं और इसके लेखक श्री वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। प्रसंग यहाँ श्री कृष्ण के बचपन की मनोरम कथा के महत्व को बताया गया। अब व्याख्या देखते हैं। श्री कृष्ण का बाल जीवन प्रत्यक्ष रूप से एक बृहत काव्य है। उनके जन्म से पूर्व ही उनके महामानव चरित्र के संबंध में सभी को ज्ञात हो गया था। उनके अवतरण के भय से आतताई आतंकित थे। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा आए तब तो उनके बाल चरित्र की विभिन्न लीलाएं आनंद देने वाली बदलियों की श्रृंखलाओं की तरह समस्त आकाश में व्याप्त हो गई थी। आशा यह है कि सभी ओर उनके बाल कृतित्वों की चर्चा विस्तार पूर्वक थी। स्थिति यह रही कि बिना कहे ही लोक जीवन का हर व्यक्ति जानता था। भारतवर्ष के बच्चों के लिए तो आनंदमय कथाएं अत्यंत मनोरंजक विषय है। वे लीलाएं बच्चे बड़े चाव से सुनते हैं तथा प्रसन्न होते हैं। अब इस गद्य में क्या विशेषता है, तो श्री कृष्ण के बाल चरित्रों का प्रभावी अंकन हुआ है। होनहार बिनवार के होते चीखने पांव वाली कहावत श्री कृष्ण के बाल चरित्र पर खरी उतरती है। खड़ी बोली के साहित्यिक रूप का प्रयोग हुआ है और वर्णनात्मक शैली में विषय का प्रतिपादन किया गया है। अब है कि आगे का गद्यांश मनुष्य का मस्तिष्क मानवीय विकास का जो पूर्णतम आदर्श बन सकता है वह हमें कृष्ण में मिलता है। नृत्य गीत वादित्र वाग्मिता राजनीति योग आध्यात्म ज्ञान सबका एकत्र समवाय श्री कृष्ण में पाया जाता है। गोदोहन से लेकर राजसूय यज्ञ में पुरोहितों के चरण धोने तक तथा सुदामा की मैत्री से लेकर युद्ध भूमि में गीता के उपदेश तक उनकी ऊंचाई का एक पैमाना है। जिस प्रकार जिस पर सूर्य की किरणें भी रंग बिरंगी पेटी की तरह हमें आत्मिक विकास के हर एक स्वरूप का दर्शन होता है। संदर्भ है पूर्व के अनुसार ही। प्रसंग है श्री कृष्ण के सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व को उजागर किया है। व्याख्या, श्री कृष्ण के मानव मस्तिष्क का पूर्ण विकसित रूप विद्यमान है। सभी कलाएं आध्यात्म दर्शन चिंतन ज्ञान
आदि सभी का समन्वित रूप श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में समाहित है। गाय दोहने के छोटे से छोटे कार्य से लेकर अश्वमेध यज्ञ में पुरोहितों के पैर धोने तक का कार्य श्री कृष्ण ने किया। उन्होंने अपने दीन मित्र सुदामा के साथ मित्रता का निर्वाह किया तो महाभारत के रण क्षेत्र में गीता का उपदेश देकर एक आदर्श मानदंड भी स्थापित किया। उनके द्वारा दिया गया गीता का ज्ञान मानव जीवन के आध्यात्मिक पक्ष के हर रूप को रंग बिरंगे किरण समूह की तरह आलोकित करता है। विशेष है सर्व गुण संपन्न कृष्ण के व्यक्तित्व को रेखांकित किया गया है। शुद्ध और साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। विवेचनात्मक शैली को अपनाया गया है। अब है गद्यांश। कृष्ण भारतवर्ष के लिए एक अमूल्य निधि है। वे हमारे राष्ट्रीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि है। जिस प्रकार पूर्व और पश्चिम के समुद्रों के बीच प्रदेश को व्याप्त करके गिरिराज हिमालय पृथ्वी के मानदंड की तरह स्थित है, उसी प्रकार ब्रह्म धर्म और छात्र धर्म इन दो मान्यताओं के बीच उच्चता को व्याप्त करके श्री कृष्ण चरित्र पूर्ण मानवीय विकास के मानदंड की तरह स्थित है। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 महापुरुष श्री कृष्ण से ली गई है। इसके लेखक श्री वासुदेव शरण जी अग्रवाल हैं। प्रसंग राष्ट्रीय संस्कृति के मानदंड कृष्ण के चरित्र के पूर्ण विकास पर प्रभाव डाला गया है। व्याख्या श्री कृष्ण का चरित्र एक आदर्श चरित्र है। वे हमारे देश की बहुमूल्य संपदा है। भारत की श्रेष्ठतम संस्कृति के प्रतिनिधि स्वरूप वे आज प्रस्तुत हैं। जैसे समस्त धारा पर पर्वतराज हिमालय एक मानदंड के रूप में विराजमान है, उनके समान कोई ऊंचा नहीं है, वैसे ही श्री कृष्ण का व्यक्तित्व उनका चरित्र मानव के विकसित रूप की कसौटी की तरह ही विद्यमान है। उनमें ज्ञान और क्षत्रिय धर्म की मर्यादाओं का उच्चतम आदर्श रूप विभाजित हो जाता है। विशेषताएं उच्चता के आदर्श रूप कृष्ण के चरित्र का अंकन किया गया है। दूसरा साहित्यिक और शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और विचारात्मक शैली अपनाई गई है। बच्चों कुछ ये प्रश्न हैं और उनके उत्तर आप इनको कॉपियों में नोट करेंगे, लिखेंगे और याद करेंगे। मैं ऐसी आपसे उम्मीद